हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग न्यूज़। सच तक न्यूज़ से मनीष कश्यप की वीडियो है ये, है ना। और आजकल जो कंगना रनौत पर नशा चढ़ा हुआ है, वो पता नहीं काहे का नशा करके बैठी हुई हैं। भांग का नशा या फिर मतलब गांजे का नशा कि कौन सा नशा, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कि किस चीज़ का नशा करके वो बैठी हैं, जो अजीबोगरीब बयान दे रही हैं। पहले किसानों के बारे में अंट संट बोलो, उसके बाद अब मतलब सरकार के बारे में अंट संट बोलो, मतलब। और अब हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में भी मतलब बड़ा ही वाहियात सा इन्होंने बयान दिया है, ठीक है। तो चलो यार, देखते हैं कि भाई मतलब मनीष कश्यप का क्या कहना है कंगना रनौत के लिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। भारत में इतिहास के किताबों को फिर से लिखने की ज़रूरत है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हमें पता चला है कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है। मैं अभी दिल्ली में हूँ और दिल्ली के सेंटर में हूँ, और मेरे पीछे राष्ट्रपति भवन दिख रहा है। धुंध के वजह से पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। और एक साइड में पुराना वाला संसद भवन दिख रहा है और एक साइड में नया वाला बन रहा है, टाटा बना रहा है। और सामने जो है वो इंडिया गेट है, और यहीं से परेड होता है बड़ा बड़ा। और परेड काहे का होता है, काहे कि देश आज़ाद हो गया है बताया जाता है। 1947 से यही होते आया है, और कंगना जी ने हमें बताया है कि 2014 में देश आजाद हुआ। जरा सोचिए कि ये देश के लिए अपमान का विषय है कि नहीं है। हालांकि राष्ट्रपति महोदय को अगर ये अधिकार है कि वो किसी को सम्मान दे सकते हैं, तो उन्हें ये भी अधिकार होना चाहिए कि सम्मान का अपमान करने वाले से सम्मान वापस भी ले सकते हैं। और कंगना से वापस होना चाहिए सम्मान, बिल्कुल वापस होना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो नशेड़ी हैं, गजेड़ी हैं, चर्सी हैं, ड्रग्स का आदि हैं। और ये लोग तो कुछ पढ़े लिखे हैं नहीं, इतिहास के पन्नों को कभी खंगाले ही नहीं है, और इसीलिए शायद इन लोगों ने कह दिया कि देश 2014 में आज़ाद हुआ था। अगर ये इतिहास के पन्नों को खंगाले होते और चर्सी नशेड़ी गजेड़ी नहीं होते, और इन चर्सी नशेड़ी गजेड़ियों को सम्मान नहीं दिया जाता, तो शायद आज जो है पद्मश्री, पद्म विभूषण और इस प्रकार के सम्मान का अपमान नहीं होता। हालांकि ये देश की राजधानी है दिल्ली, और एक साइड संसद भवन है और इधर नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक है, और नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के पीछे जो है ना प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है, और सबको किसी ना किसी नेता का करीबी होना है, और इसी के वजह से अल बल का बयान देते हैं ये लोग। सबको पता है कि कंगना ने गलत बयान दिया है। अगर कोई आम आदमी देश का अपमान करे तो धारा 353 सरकारी काम में बाधा, और एक वो और ही धारा है जो हमको नहीं याद है, देशद्रोही धारा, जो कन्हैया कुमार पे लग गया था, और उसके तहत जो है जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन कंगना जैसे लोग जो है देश का अपमान करते रहें, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। हाँ, हालांकि वाई प्लस सिक्योरिटी जरूर दे दी जाएगी, ताकि जो है चारों साइड से आज़ाद भारत में आज़ादी के बाद से जो देश की रक्षा करते आए हैं हमारे देश के जवान, वो कंगना को आज़ादी के साथ सुरक्षा दे सके। 2014 के पहले उन्हें सुरक्षा नहीं मिला था, इसलिए शायद उनके लिए देश गुलाम था। हमारे लिए तो देश 1947 में ही आज़ाद हो गया। हाँ, हालांकि देश के लोगों को अभी भी कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है वो गुलामी मानसिकता में जीने के लिए मजबूर कर रही है, ये बात सच है। लेकिन देश तो 1947 में ही आज़ाद हो गया, और आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान देने वाले लोगों का अपमान करने वाली कंगना का कौन सा पुरस्कार से सम्मान किया जाए, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो बस इस देश के यशस्वी राष्ट्रपति महोदय से मैं विनती करना चाहता हूँ, वो सामने उन्हीं का घर है, और अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये फैलाया हुआ प्रदूषण के वजह से थोड़ा ठीक से नहीं दिख रहा होगा, चूँकि 2013 से वो दिल्ली को प्रदूषण मुक्त, जमुना को प्रदूषण मुक्त कर रहे हैं, और दिल्ली हुआ नहीं है, अभी ठंड का मौसम नहीं है, ये सब धुंध दिख रहा है ना, ये प्रदूषण है। ये पक्ष हो या विपक्ष फर्क नहीं पड़ता, ये देश के नेता जो है ना देश के लोगों को सिर्फ चू बनाते हैं, पूरा शब्द नहीं कहेंगे, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ आ जाएगा। इधर एयरफोर्स है, इधर शास्त्री भवन है,
सारे नेता इधर ही बैठते हैं, सब वीआईपी नेता। और रोड भी जो है ना वो हेमा मालिनी की तरह नहीं 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 कहूँगा, केस वोस कर देंगे, दिक्कत हो जाएगा। आलिया भट्ट का इधर देखिए कितना इधर विकास हुआ है, और इसी विकास को दिखाया जाता है देश के लोगों को कि हाँ। चलिए हम इस पे बात करने नहीं आए हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो बीजेपी की सरकार हो फर्क नहीं पड़ता, हमें पार्टियों का गुलाम नहीं बनना चाहिए, हमें देश के लिए खड़ा होना चाहिए। और कंगना ने गलत स्टेटमेंट दिया है उसका हमें विरोध करना चाहिए। और हाँ, मैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का भी विरोध मुंबई में किया था, और कंगना के भी बयान का विरोध मैं करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए पक्ष और विपक्ष मायने नहीं रखता है, मेरे लिए देश मायने रखता है। और इसीलिए मैं ये आवाज़ उठा रहा हूँ कि कहीं नहीं तो कहीं कंगना से जल्द सम्मान वापस लिया जाए। अगर सम्मान वापस नहीं लिया जाता है तो देश के सर्वोच्च पुरस्कार का ये सबसे बड़ा अपमान होगा। बाकी अगर मेरी बातें हैं आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट में अपना राय जरूर रखें, और YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना। और 1947 में आज़ाद हुआ देश की राजधानी दिल्ली से आज़ादी के साथ संस्तक के लिए मैं मनीष कश्यप, जय हिंद। ओके यार, यहाँ पे ये वीडियो खत्म। अब बात करते हैं कंगना रनौत, सॉरी साइकोपैथ कंगना रनौत की। भाई उनके उनको पता नहीं कौन से दिमागी कीड़े ने काट लिया है, जो वो आए दिन भाई उसको पता है फेमस रहने के लिए उसे कंट्रोवर्सी में रहने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि अब शायद उनको मूवी मिलना भी बंद हो गई है ना, कुछ टाइम रानी लक्ष्मी बाई के बाद उन्होंने पता नहीं कौन सी मूवी बनाई है, मुझे याद नहीं, अगर बनी हो तो बता देना, नहीं बनी है तो चलो मेरी नॉलेज थोड़ी सी अच्छी है इस बारे में, ठीक है। तो उसके बाद से उन्होंने कोई मूवी बनाई नहीं है, और मुझे लगता नहीं है कि अब उन्हें कोई मूवी मिलेगी भी, ठीक है, क्योंकि ऐसा वाहियात सा जो बयान दिया है इन्होंने। 1947 में देश कम्प्लीटली आज़ाद हो गया था, और मतलब 1950 में गणतंत्र भी बन गया था एक, ठीक है, और लेकिन इन ये पता नहीं कौन से जमाने में सो रही हैं कि ये 2014 में जागी हैं। तो एक बात बताओ, कंगना जी से ये पूछना चाहेंगे कि भैया तुम गुलाम भारत में पैदा हुई हो है, क्योंकि 2014 में तो पैदा हुई नहीं हो, ठीक है, तो इनके मतलब गुलाम भारत में ये पैदा हुई, इनके बाप दादा जो भी थे वो भी गुलाम भारत में पैदा हुए, दादाजी खैर नहीं, चलो वो तो हो सकते हैं कि हाँ गुलाम भारत में पैदा हुए हो, लेकिन 1947 के बाद जितने भी लोग पैदा हुए हैं सबके सब आज़ाद थे, ठीक है। और ये इन्हीं मतलब हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, चाहे वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, सुभाष चंद्र बोस हो, ठीक है, और इन सब की मतलब इन्होंने बड़ी ही वाहियात तरीके से तौहीन की है, ठीक है, अपमान किया है उनका, उनकी मेहनत का, उन्होंने अपनी जान दी देश की आज़ादी के लिए, उन्होंने अपनी जान दी, महात्मा गांधी हो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, ठीक है, और मतलब लाखों लोगों ने देश के लिए अपनी जान दी, तब जाके ये देश आज़ाद हुआ। और उनका क्या कहना है कि 2014 में हमें आज़ादी मिली है, वाह भैया तुम मतलब यार देश की उतनी ही चाटो, ठीक है, जितना मतलब कोई बर्दाश्त कर ले, ठीक है, मतलब सरकार के तुम चाट रहे हो वो समझ में आ रहा है, लेकिन उतना ही चाटुकार बनो जितना लोगों को बर्दाश्त हो, ठीक है। किसानों के बारे में जब बोला तब भी उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला था, और अब तो यार वाकई इनसे ये जो इन्हें सम्मान मिला था पद्मश्री पद्मभूषण का, वो वापस लेना चाहिए। ऑब्वियसली मैं भी इसके पक्ष में बोल रही हूँ, ठीक है, कि यार इन जैसे लोगों के पास हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार क्यों है, ऐसे लोगों के पास तो यार कोई भी अवार्ड नहीं होना चाहिए, सच बताओ। और मुझे समझ में नहीं आता ये जितने भी फिल्म सितारे होते हैं, मतलब फिल्म स्टार्स होते हैं, ठीक है, ये अपनी नाक राजनीति में काहे घुसेड़ते हैं, मतलब फालतू में कोई इनका मतलब नहीं होता है राजनीति से, लेकिन फिर भी उसमें उसके बारे में कमेंट करना है, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी बक देंगे। अरे तुम्हें एक्टिंग आती है नहीं आती है वो छोड़ो, ठीक है, वो आती है तो अपने एक्टिंग करियर पे ध्यान दो ना, अपने मतलब
अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखते ये लोग, जरूरी है। और मीडिया वाले भी उनसे वही सवाल पूछेंगे, मतलब राजनीति से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं, कहीं मतलब साइंस से रिलेटेड सवाल पूछ रहे हैं। अरे भैया, उनसे उनके फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड सवाल पूछो उनको, क्योंकि उनका दिमाग वहीं तक है। जब उनका मतलब तुम ऐसे सवाल पूछ लोगे उनसे जो उनके औकात से बाहर हैं, तो वो जवाब भी वैसे ही देंगे, ठीक है। तो सच में यार, मैं भी यही मतलब मैं तो इसी पक्ष में हूँ कि हाँ भैया, इससे इस औरत से ये सम्मान वापस लिया जाना चाहिए, पद्म भूषण, पद्मश्री, जो भी है, ठीक है। तो जो भी इनके पास नेशनल अवार्ड्स हैं, ठीक है, वो इनसे वापस लिया जाना चाहिए। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो, क्या कंगना रनौत से ये सम्मान वापस लेना चाहिए या नहीं। ओके, तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। बाय बाय।